अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज एक नई वीडियो को लेकर के आपके रूबरू हाजिर हुआ हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, भाभी जान। कल हमने पढ़ा था अफसाना किसे कहते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले भाभी जान और भाभी जान के राइटर कौन है, मुसन्निफ कौन है, उसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि तमाम सवालात हल हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आपको बता दूं कि बहुत मेहनत करने के बाद आपके पास आता हूं, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा लें। इतने अच्छे अंदाज में समझा रहा हूं, YouTube पर ऐसा कोई आदमी नहीं समझाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग जो है सबसे पहले समझे कि ये भाभी जान क्या है। भाभी जान जो है ये एक अफसाना है, ठीक है। ये क्या है? अफसाना है। हमने अफसाना के बारे में कल पढ़ा था कि अफसाना किसे कहते हैं। तो ये भाभी जान क्या है? ये अफसाना है। इसके राइटर और मुसन्निफ कौन है? तो इसके राइटर और मुसन्निफ जो है वो सुहैल अजीमाबादी है। भाभी जान को लिखने वाले सुहैल अजीमाबादी है। सुहैल अजीमाबादी का असल नाम जो था, या बचपन का नाम कह लीजिए, या असल नाम, वो सैयद मुजीबुर रहमान था। क्या नाम था? सैयद मुजीबुर रहमान था। और वो तखल्लुस लगाते थे सुहैल। पहली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि तखल्लुस उसे कहते हैं जो शायर या अदीब अपने नाम के बदले में छोटा सा नाम रख लेते हैं, उसे तखल्लुस कहते हैं। तो यहाँ सुहैल अजीमाबादी अपना तखल्लुस सुहैल लगाया करते थे। क्या लगाया करते थे? सुहैल लगाया करते थे। ये वीडियो जो है यूट्यूब पर आपके सामने हाजिर है। अभी जो चीज़ अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आप करें ताकि मैं उसका रिप्लाई दे सकूं, उसका जवाब दे सकूं। अगर ये आपको नोट चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक है, वहां से आप जाकर के व्हाट्सएप में ज्वाइन हो जाए और आपको ये नोट मिल जाएगा बिल्कुल मुफ्त, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे इसके। चलिए देखते हैं कि सुहैल अजीमाबादी कब पैदा हुए। सुहैल अजीमाबादी 1911 ईस्वी में पटना में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? पटना में पैदा हुए और 1911 ईस्वी में पैदा हुए। उनकी तालीम जो है नानहियाल ही में हुई, क्योंकि वो बचपन में जब वो 1 साल के थे तो उनकी वालदा का इंतकाल हो गया, तो नानी के यहाँ वो थे, वहीं उनकी तालीम हुई। एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में, एक उस्ताद की देखरेख में उनकी पढ़ाई नानहियाल में हुई। लेकिन उनका अगर आबाई वतन, अपना घर जो कहा जाए, तो वो शाहपुर भदौल में है। उनका अपना घर कहाँ है? शाहपुर भदौल में उनका अपना घर है, जो पटना ज़िला में पड़ता है। सुहैल अजीम, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, देखिए। सुहैल अजीम आबादी ने 5-7 बरसों तक उर्दू की तरवीज इशात छोटा नागपुर में की। कितने सालों तक? 5-7 बरसों तक उर्दू की तरवीज इशात छोटा नागपुर में की। याद रखिए, छोटा नागपुर में की। उसके बाद है कि वो कैसे घराने से ताल्लुक़ रखते थे। तो सुहैल अजीमाबादी एक ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, ज़मींदार ख़ानदान से वो ताल्लुक़ रखते थे। उसके बाद है कि उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन अफसानवी मजमूए में उनका पहला मजमूआ जो है चार चेहरा है। उनका पहला मजमूआ अफसानों का चार चेहरा है, जो 1934 ईस्वी में शाये हुआ। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। मजमूआ चार चेहरा है, जो तकरीबन 1934 ईस्वी में शाये हुआ। और भी है, जैसे अलाव है और आदमी का रूप है, ये भी अफसानवी मजमूए हैं। उन्होंने एक नावल भी लिखे हैं बेजड़ के पौधे नाम से, नावल का नाम है बेजड़ के पौधे। और उन्होंने एक अखबार को भी जारी किया था, रोज़नामा अखबार को उन्होंने जारी किया था, उसका इजरा किया था, उसका नाम साथी था। ये क्वेश्चन में आते हैं ऑब्जेक्टिव में। उनका इंतकाल जो है 1980 ईस्वी में इंतकाल हो गया। उनका इंतकाल 1980 ईस्वी में हो गया। ये जितनी भी चीज़ें मैं बताया हूँ, इस तरीके से आपको बताया हूँ कि ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव ऑल क्वेश्चंस
आसानी के साथ जो है आपके सॉल्व हो जाए, कहीं आपको दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग भाभी जान का खुलासा देख लेते हैं। हमारे निसाब में यह है भाभी जान का खुलासा, ये अफसाना है, बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन ऐसा आता है कि क्या है, ठीक है, तो ये अफसाना है। इसमें किरदार जो होता है उसमें एक रुकैया भाभी होती है, अख्तर होता है, शम्मी होती है, रेहाना है और जमीला है। रुकैया भाभी कौन है? तो रुकैया भाभी जो है इस अफसाने की मरकज़ी किरदार है। इस अफसाने की क्या है? मरकज़ी किरदार है। मरकज़ी किरदार है। मरकज़ी किरदार किसे कहते हैं? जो मैन हो, इसके बगैर कहानी लिखी ही नहीं जा सकती थी, उसे मरकज़ी किरदार कहते हैं। उसके बाद है अख्तर। तो अख्तर जो रहता है ये रुकैया भाभी का देवर रहता है, ठीक है, ये कौन है? देवर है रुकैया भाभी का, यहाँ लिख दे रहा हूँ, रुकैया भाभी का देवर है, देवर है रुकैया भाभी का, हाँ देवर है रुकैया भाभी का। शम्मी कौन है? शम्मी जो होती है उनके कॉलेज की गरीब बच्ची होती है जो उनकी मदद के सहारे पढ़ती है, ठीक है। शम्मी एक गरीब तालबे इल्म है, एक गरीब तालबे इल्म है, तालबे इल्म है जो भाभी जान की मदद के सहारे पढ़ रही होती है कॉलेज में। रेहाना जो है वो भाभी जान की बेटी होती है, भाभी जान की बेटी होती है, ठीक है, बेटी है। जमीला कौन है? जमीला वो है जिससे अख्तर यानी के भाभी जान का जो देवर है अख्तर, वो शादी करना चाहता था, मोहब्बत करता था इससे, ठीक है। तो ये कौन है जमीला? ये वो लड़की है, वो लड़की जिसे अख्तर पसंद करता था, जिसे अख्तर क्या करता था? पसंद करता था, पसंद करता था। देखिए आखिर में ये लाइन है कि रुकैया भाभी के शौहर को सियासत का शौक था। रुकैया भाभी के शौहर को किस चीज़ का शौक था? रुकैया भाभी के शौहर को सियासत का शौक था, इसलिए उन्हें बार बार जेल जाना पड़ता था, इसलिए उन्हें बार बार जेल जाना पड़ता था। और रुकैया भाभी को जब भी वक्त मिलता था तो क्या करती थी? ख़त लिखा करती थी, ख़त का जवाब देना शुरू करती थी, बैठ करके तमाम चीज़ को देखा करती थी, किस किस ने ख़त भेजा। अगर किसी को उर्दू लिखने आता है, क्योंकि ये भाभी जान का खुलासा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल ये चार अफसाना जो है आपके निसाब में चारों में से एक आना तय है, ये पाँच नंबर का आता है, इसलिए इसको लिखना है। मैं यहाँ पर जो पढ़ा दिया हूँ इस अंदाज में, अगर किसी को लिखने आता है उर्दू तो अच्छे से लिख सकता है, लेकिन अगर उर्दू नहीं लिखने आता है तो मैं इसका नोट भाभी जान का खुलासा अच्छे से लिख करके मैं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है व्हाट्सएप का, उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं डाल दूंगा, वहाँ से जाकर के अच्छे से नोट कर ले और याद कर ले, क्योंकि आना ही आना है ये एग्ज़ाम में आपके, 100% इसकी गारंटी कि आएगा ही चारों अफसाने में से एक अफसाना, ये तय है हर साल का, इसलिए इसे ज़रूर याद करिएगा। इसकी कहानी मोटे तौर से यूँ है कि अगर किसी को लिखने आता है उर्दू तो ये समझिए कि रुकैया भाभी इस अफसाने की मरकज़ी किरदार है। रुकैया भाभी पर पूरे घर की जिम्मेदारी होती है, पूरे घर के काम काज को वही संभालती है, अपने बाल बच्चों को परवरिश करती है, और उसके बाद देवर जो आए रहते हैं उसकी खातिरदारी करती है ना, उससे उर्दू में अच्छे अंदाज में बातें करती है, और वो एक कॉलेज में पढ़ाती रहती है, वहाँ 400 से 500 रुपया उसको महीने की तनख्वाह मिलती है। एक बच्चे को पढ़ाती है ट्यूशन तो वहाँ से 50 रुपया यानी 450 रुपया उनकी माहाना तनख्वाह होती है, और उसी में गुजारा करना कितना दुश्वार कुन था। उसके बावजूद जो है भाभी जान टूटी नहीं थी, शौहर को सियासत का शौक़ था इसलिए वो बार बार जेल जाया करते थे, फिर भी वो टूटी नहीं थी, उसके बावजूद वो गरीब बच्चियों की मदद करती थी। देखिए जिस तरीके से शम्मी जो है गरीब तालिबे इल्म है, उसको वो कॉलेज की फ़ीस भरा करती थी, उसी तरीके से उसके भाई की एमए की फ़ीस अदा करनी थी, तो भाभी जान ने ये छोटी बच्ची की सोने की चूड़ियों को बेच करके उसे पैसा दिया। उसके बावजूद जो है वो टूटी नहीं थी।
रुकैया भाभी को जब भी वक्त मिलता, फुर्सत मिलता, तो ख़त लिखने बैठ जाया करती थी। और आखिर में भाव इस कहानी में कहा गया है कि अख्तर से कहती है कि क्या बात है, चार दिन से यहाँ पड़े हो, कोई चीज़ सुनाए नहीं, क्या हाल है। जमीला के बारे में पूछती है कि जमीला का क्या हाल है, जमीला किस तरीके से है, अच्छी है कि नहीं, शादी का क्या प्लान है। तो अख्तर जवाब देता है कि मैं तो चाहता हूँ कि आपकी देवरानी बने और क्या कहते हैं, मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी अम्मी ये नहीं चाहती है कि जमीला इस घर की बहू बने। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है हमें कि हमारे अंदर जज्बा पैदा होना चाहिए कि कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कैसे भी हालात आ जाए, हम अपने आप को संभाल के रखें। जिस तरीके से भाभी जान को नया हौसला, नया अज़्म मिला था, उसी तरीके से हमें भी हर दुश्वारी का सामना करते हुए, लड़ते हुए चलना है और अपने हौसला को पस्त होने नहीं देना है। इस कहानी का खुलासा यही था। मैं इस चीज़ को जो बोला हूँ वो नोट में प्रोवाइड आपको करा दूँगा। चलिए फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। लेकिन फिर कह देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके आपके पास आता हूँ, आपके रूबरू आता हूँ, आपको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि कोई चीज़ छूटे नहीं। एग्ज़ाम में 100 में 100 आना है आपका, इसलिए सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि वो भी ऐसे मौका को गनीमत समझ के वो भी मेहनत करें। चलिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।